सो वेलकम अगेन ऑन जानकारी। कुछ नया जाने, वांट टू नो समथिंग? यस, आओ और कुछ पाएं। यहाँ आओ और कुछ पाकर जाएं। क्या पाना है आज? एक नया टॉपिक, एक नया विषय जिसके बारे में आपके साथ चर्चा होगी। विषय है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अंडर इकोनॉमिक्स वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स ज्वाइन हियर, मूव अहेड, सी दिस वीडियो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हिंदी पंजाबी में उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स वी कैन से इज अ सोशल साइंस। इट इज अ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो द इन द मोस्ट सिंपल वे एंड कंसाइज फॉर्म आई कैन से इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब जो अर्थशास्त्र है, ये एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मानव को अपने संसाधनों को, जो संसाधन सीमित हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है, उसके प्रति मानव व्यवहार को निश्चित करने का ये एक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि जो मानव है वो एक सामाजिक मानव है, वो इस समाज में रहता है। इसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जिसे वितरण कहते हैं, और उसको कंज्यूम करना जिसे खपत करना कहते हैं, इन सभी एक्टिविटीज के सामूहिक रूप को हम इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। सो वी कैन से दैट हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित हैं, उनको कैसे प्रयोग करना है, इस बात का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। नाउ थ्योरेटिकली व्हेन वी एनालिसाइज द इकोनॉमिक्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। दीज टू पार्ट्स आर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यू शुड नो दैट द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो वर यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय रेगनर फ्रिश, हु गॉट इवन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। जो रेगनर फ्रिश था, उसने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में ये माइक्रो और मैक्रो जो शब्द हैं इनको यूज किया, जिसे हम हिंदी में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। व्यष्टि विशेष से बना है किसी एक, समष्टि सामूहिक से बना है। लेट्स स्टार्ट विथ बोथ ऑफ दीज ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वन वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? एज इट्स नेम क्लियरली शोज, इन हिंदी व्यष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में लोग इसको व्यष्टि विशेष, बट टेक्निकली माइक्रो इकोनॉमिक्स टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रो। मिक्रो मीन्स स्मॉल और साथ में इकोनॉमिक्स, स्मॉल इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्केयर सोर्सेज एंड द इंटरेक्शन अमंग दीज इंडिविजुअल एंड फर्म्स। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्रीक शब्द मिक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, छोटा अर्थशास्त्र, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा है ये 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, नो, ये अर्थशास्त्र की, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो शाखा है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के बारे में, निर्णय लेने में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
एक व्यक्ति अपने सीमित साधनों का प्रयोग कैसे करेगा, एक फर्म सीमित साधनों का प्रयोग कैसे करेगी, अपने सीमित संसाधनों का उत्पादन करना, उन्हें आवंटित करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऐसे व्यवहार को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ऐसी साइंस को। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, वी कैन से दैट इट डील्स विद द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उनका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। So one thing is clear to all of us, microeconomics deals with the small parts of economy. When we talk about microeconomics, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब जिसमें हम जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्से हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पार्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर इकॉनमी, लेबर इन इट सेल्फ इज अ इंडिविजुअल यूनिट विच बिकम्स अ ग्रेटर यूनिट व्हेन वी एड अप द गोइंग टू वन लेबर, टू लेबर, सिक्स, थर्ड लेबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, दैट इज लेबर इकॉनमी वेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर। सिमिलरली डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जब हम घरों की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर की आर्थिक समस्याएं, उससे जुड़ी हुई बातें, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होती हैं। सिमिलरली डिमांड एंड प्राइस एट इंडिविजुअल मार्केट लेवल, जब व्यक्तिगत बाजार की बात होती है, उसमें जहां वस्तुओं के डिमांड और प्राइस की बात करते हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करें, इंडिविजुअल फर्म्स की बात करें, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें, इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट की बात करें, जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस को, वो भी इसी का हिस्सा है। सो आई कैन से दैट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी। ऑन द अदर हैंड, द सेकेंड ब्रांच इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, सामूहिक, सारा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी एज ए होल, होल इकॉनमी, इट इंक्लूड्स होल इकॉनमी, आई एम रिपीटिंग, इट फोकस ऑन द एग्रीगेट चेंजेस इन द इकॉनमी, नॉट इंडिविजुअल चेंजेस, एग्रीगेट चेंजेस टेक प्लेस इन इकॉनमी सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन एंड मैनी मोर। सो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की वो ब्रांच या शाखा है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था कैसे प्रदर्शन करती है, ये अर्थव्यवस्था के समग्र परिवर्तन, जैसे अर्थव्यवस्था में जब हम ओवरऑल परिवर्तन की बात करते हैं, बेरोजगारी, डेवलपमेंट जो रेट है जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी का नाम दिया जाता है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये सारी की सारी जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सारे के सारे सामूहिक हैं। जहां हम सामूहिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं वो विषय मैक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र है। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए, दैट इट इंक्लूड्स और डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल, विच आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि संपूर्ण रूप से आर्थिक प्रणाली के कामकाज से संबंधित जो अर्थशास्त्र की शाखा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के साथ सप्लाई की बात होती है, नेशनल इनकम है, ग्रोथ है इकोनॉमी का, कैसे ग्रोथ हुआ, कितना हो रहा है इकोनॉमी का, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड जस्ट लाइक नेशनल इनकम, बिकॉज नेशनल इनकम नॉट अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इट्स अ परफॉर्मेंस ऑफ होल इकॉनमी। जब सारी अर्थव्यवस्था की बात होती है, सारी आय की बात होती है, तभी हम उसे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। सो सच कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टडी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, दीज आर द मेजर पार्ट्स
और वी कैन से द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है। जब हम इनकी पैरेलल स्टडी करें, दोनों को एक दूसरे के समानांतर रख दें, देन वी गॉट सम कंक्लूजन रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक व्यष्टि है, एक समष्टि है। समष्टि मतलब सारा। वन बेसिक डिफरेंस इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंडिविजुअल यूनिट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एट इंडिविजुअल लेवल, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड आई कैन से दैट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ द इकॉनमी, आइदर इट इज नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, प्रॉब्लम्स लाइक सच। मतलब ऐसी समस्याएं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, सामूहिक रूप से हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर उसको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स वी डिस्कस्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मार्केट फोर्सेस प्लेज मेजर पार्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑन द अदर हैंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉन एज द प्राइस थ्योरी, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बिकॉज डील्स विद अ लार्ज इकोनॉमिक पार्ट। मेन अजम्पशंस अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी अज्यूम दैट कि उसमें अगर ऐसा हो, ये मानता मानकर चला जाता है, कॉन्स्टेंट प्राइस रहेंगे, कॉन्स्टेंट इनकम रहेगी, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेज में चेंज नहीं होंगे, तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसी अजम्पशंस होंगी, वो एप्लीकेबल तभी होंगे। ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट द अजम्पशंस अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेन अजम्पशंस आर देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लोज्ड इकॉनमी। आने वाले चैप्टर्स में हम इन सभी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये परफेक्ट कंपटीशन क्या है, क्लोज्ड इकॉनमी क्या है। फर्स्टली यहाँ पर हमें इतना ही समझना होगा कि ऐसी अजम्पशंस होगी तभी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिन थ्योरीज की हम बात करते हैं वो एप्लीकेबल होंगी। तो दैट इज द कंक्लूजन अबाउट द डिफरेंस अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक जो बात हमें ध्यान में रखनी है, माइक्रो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात करती है, मैक्रो एग्रीगेट की, सामूहिक की। तभी तो इनका नाम अगर हम हिंदी में भी देखें, व्यष्टि विशेष, पंजाबी में भी इसको व्यष्टि ही कह सकते हैं, माइक्रो लेवल सूक्ष्म रूप, इसमें छोटी समस्याएं जो आर्थिक समस्याएं छोटे लेवल की हैं उनका अध्ययन करते हैं, और मैक्रो समष्टि, समष्टि मतलब सारा, जहां पे सभी टाइप की जो एग्रीगेट प्रॉब्लम्स है नेशनल लेवल की, कंप्लीट मार्केट की, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। और इसको हम जो हमने डिस्कस किया उसका जो हम कंक्लूजन है यही निकाल सकते हैं कि फर्स्टली वी शुड कीप इन माइंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद ऑल एलोकेशन ऑफ स्केयर सोर्सेज। मतलब जो हमारे पास सीमित साधन है उनको हमने कैसे बांटना है, कैसे यूज करना है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला जो साइंस है, जो सोशल साइंस है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्टिविटीज हैं आर्थिक लेवल की, वो कैसे चलती हैं, उनके डिफरेंट रिगार्डिंग, उनके उनसे रिगार्डिंग जो थीरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं, ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मतलब कि जो इंसान का, जो एक सोशल साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एक साइंस है बट इट्स अ सोशल साइंस बिकॉज इट आल्सो कोरिलेटेड विद द सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज गोइंग टू इंपैक्ट द इकॉनमी। उसके बाद हमें ये, हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि जो इकोनॉमिक्स है उसको इसके लेवल के अकॉर्डिंगली दो भागों में बांटकर चलते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मींस जो, जिसको हम विशेष रूप से इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कहते हैं, जहां हम व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं, वो सब माइक्रो के अंदर अंडर हमने स्टडी किया। इसी तरह से मैक्रो मींस एग्रीगेट, जहां सामूहिक
सामूहिक रूप से जो आर्थिक समस्याएं हैं, नेशनल लेवल की हैं, वर्ल्ड लेवल की हैं, उन समस्याओं का जो इंक्लूजन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। फिर हमने डिफरेंस की बात की, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पैरेलल रखकर। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, किसी टाइप की कोई आपके मन में रिजर्वेशन है, कोई कंसर्न है, यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा आपके कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब हम बातों को समझते हैं, वीडियो को देखते हैं, तब हमारे मन में नए सवाल पैदा होते हैं। आपके हर सवाल का जवाब यहां पर मिलेगा, जानकारी हित, क्योंकि मैं यहां पर हूं ही आपकी जानकारी के लिए। सो अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।